मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब गंगा तिगरी धाम पर लगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कैंप की, जिसका फीता काट कर शुभारंभ जनपद न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि लोक अदालतों का उद्देश्य न्यायपालिका से मुकदमों का बोझ कम करने के साथ साथ गरीब निर्धन व्यक्ति को न्याय दिलाना भी है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राघवेंद्र मणि ने मौजूद लोगों को लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में सुलह समझौते के आधार पर मामलों को निपटाया जाता है। कैंप में प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश अरविंद मलिक, अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रकाश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण सोनकर, अशोक कपूर एडवोकेट, आदिश सैफी एडवोकेट, मसरूर अली सिद्दीकी एडवोकेट, इंद्रपाल गोले एडवोकेट, कपिल चिकारा एडवोकेट, जयप्रकाश यादव एडवोकेट, संजीव शर्मा एडवोकेट सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। यहाँ पर 5 दिन का कैंप इस मेले में लगाया जा रहा है। जिला विधिक प्राधिकरण में काम करते हुए मुझे लगभग 5 महीने हो गए। जब मैं कोर्ट में काम करता था तो मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ वैरायटी ऑफ वर्क नहीं है, या ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने को नहीं है, हो सकता है हम लोग बैठे रहेंगे खाली। पर यहाँ पर आके पता चला कि हम इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यों के और कार्यक्रमों के इतने आयाम हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक ख़त्म भी नहीं हुआ तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। और इसके लिए अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। हम लोगों को तो समाज से जुड़ना इस प्राधिकरण में आने के बाद सीखना और ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम डायस पर रहते हैं तब तक हम थोड़े से आइसोलेटेड रहते हैं और हमारी सर्विस रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। पर यहाँ पर हमें लोगों से ज़्यादा लोगों से संपर्क बनाकर उनको विधिक जानकारी देने की आवश्यकता होती है। और ये जानकर मुझे भी अच्छा लगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो जो अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसमें समाज के, परिवार के सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कानून के दायरे में रहते हुए बच्चों के लिए अलग योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं हैं, वृद्धों के लिए अलग योजनाएं हैं। धीरे धीरे ये विचार किया गया कि वास्तविकता समाज की क्या है, और जैसे जैसे समाज की वास्तविकता के बारे में विचार किया गया उसी प्रकार इसका दायरा बढ़ता चला गया। सुलह समझौता कराना तो इसका एक उद्देश्य मात्र शुरू में बनाया गया, और प्रयास यही रहा कि लोगों का विवाद आपस में समाप्त होकर जो वैमनस्य है वो समाप्त हो जाएगा, सौहार्द वातावरण में सब रहने लगेंगे और आगे की पीढ़ियों की एक अशांति समाप्त हो जाएगी। इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण हो, इस अधिनियम को बहुत बड़ा रूप दिया गया है और समाज की एक वास्तविकता है, इससे कोई दूर भाग नहीं सकता। इस समाज को हमने अपनी सोच के अनुसार धर्म जाति ऊंच नीच में बांट दिया। एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड लेकर के आए, जिसको अंग्रेजी में लॉयल्टी कार्ड बोलते हैं लोग। अलग अलग कंपनियों ने कुछ प्रयास किए, लेकिन हमने
पहली बार ये किया है कि 5 से 10% जो स्वदेशी का संकल्प लेकर के हमारे पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, जो पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, वहाँ से जाकर के जो प्रोडक्ट्स लेंगे, पहले ही हमारी MRP करीब करीब 25% से लेकर के 50% सस्ती है। जिस पतंजलि चिकित्सालय बाईपास रोड प्रांत बस स्टैंड के पीछे पर पतंजलि योगपीठ द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी समृद्धि कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं। ये कार्ड आप सब लोग बनवा कर 5 से 10% पतंजलि चिकित्सालय पर जो पतंजलि का सामान खरीदते हैं उसमें आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।